तो राजा सिंह जी, जब हमने आपके पास आए थे उससे पहले एक पोस्ट डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा। जितनी आपको जानकारी हो आप उनको देने की कोशिश करें, है ना। एक अशोक बाबा हैं, वो पूछते हैं सर, घोड़े की प्रतिदिन की खुराक यानी कि चना, बाजरा, दूध, चारा आदि कितना दें? देखो भाई साहब, घोड़े की किसी भी एज में ये डाइट आप दे सकते हैं घोड़े को। घोड़े की सबसे पहले आपने देखना है कि घोड़े के कहीं सूजन तो नहीं आई हुई, घुटने में पानी तो नहीं भरा। फिर आपने दूध और चना नहीं देना है, कम देना है, दूध तो देना नहीं जब पानी भरा हो उसके जहाँ पे घुटने में पिछले ज्वाइंट पे। और ये देने का थोड़ा का समय, दूध किसी भी समय दे सकते हैं, दूध ताजा दूध निकाला हुआ, गाय का दूध सबसे बेस्ट है घोड़े के लिए, ताजा निकाला उसी टाइम घोड़े को पिला दे, उसका टेम्परेचर दूध का ना तो गर्म होता ना ठंडा होता है, सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, जो बाजरा और क्या बोला आपने, चना, चना हाँ, ये दोनों चीज आप घोड़े को सर्दी में खिला सकते हैं। सर्दी में चना तो गर्मी में खिला लो, जो बाजरा थोड़ा सा गर्म होता है इसको आप उबाल कर पानी में, जैसे दलिया बन जाता है, गर्म पानी में उबालो, जो फूल जाएगा दलिया बन जाएगा। एक घोड़े के लिए ये 1 किलो डाइट 1.5 किलो डाइट उबालो, वो फूल कर 2 किलो 2.5 किलो बन जाएगी, पानी बढ़ जाएगा, फूल जाता है, वो आपको भूसे के बीच नाइट के टाइम देना है, उसको दे सकते हैं उसको। और बाजरा गर्मी में ना दो, गर्मी में देना है बाजरा, बाजरे को पीस लो, चक्की पे पीस लो, पाउडर बना लो उसको, उसको थोड़े से पानी में घोल कर दाने के अंदर उसको पला सकते हैं, या दाने के ऊपर फेंक कर उसको मिक्स कर लो मिक्स करके भूसे के बीच, या बाजरे का पाउडर बिल्कुल बना है, भूसे को आपने पानी में, कुछ लोग भूसा घोड़ी को पानी में भी कर फिर उसको धूप में सुखा कर फिर देते हैं, राजस्थान में कुछ ज़्यादा ऐसे करते हैं, उनसे क्या अभी घोड़ी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। फिर उसके ऊपर आप वो बाजरे का जो पाउडर है बनाया, आटा बनाया होता है, उसको फैला कर हाथ से मिक्सिंग कर दो, दे सकते हैं। और तो जैसे ये जो तेल वगैरह की बात करते हैं लोग, बाग तेल वगैरह, ये किस टाइप से देना चाहिए और कौन से मौसम में कैसे क्या देना चाहिए? जैसे बरसात का मौसम है, हाँ, बरसात के टाइम में तेल वगैरह नहीं देना चाहिए, बरसात के टाइम बरसातों में जैसे आज बादल हो गया है, हाँ, आज तेल नहीं देना है, अच्छा ठंडा होता है, हाँ, नहीं देना चाहिए। गोड़ी गब्बन रहेगी उस टाइम स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रेगनेंसी ठहर गई है, इसकी भी क्वांटिटी है 60 ml, एक दिन छोड़ कर देना चाहिए गोड़ी को, डेली प्रतिदिन 60 ml देंगे तो घोड़ी की अंदर से फैटी लीवर हो जाएगा, घोड़ी के अंदर आदमी तला जाता खाता फैटी लीवर हो जाए, इसी तरह घोड़े का हो जाएगा। आप घोड़ी को डाइट देंगे तो घोड़ी को डाइट लगेगी नहीं, घोड़ी रिष्ट पुष्ट नहीं होएगी, एक्स्ट्रा समय कमज़ोर होती जाएगी, घोड़ी का पेट अंदर से पिछली टांगों के बराबर से अंदर को चला जाता है। एक दिन 60 ml देना, एक दिन छोड़कर 60 ml देना, तीसरे दिन देना तो है। तेल यानी कि उबाल के दे या कैसे? उबाल कर देना, वैसे तो तेल है घी है, जितना मान लो 5 किलो देना है अपने घोड़ी को, 10 किलो देना है, उसको एक बार उबाल कर रख लो, अच्छा किसी बर्तन में, बठल में, कटोरे बड़े में उबाल कर जब उबलने लग जाएगा उसमें थोड़ा सा लहसुन ले लो, मेथी ले लो, कड़वी चीज मान लो भी ये इतना लहसुन ले लिया, या 200 ग्राम मेथी ले लो, उसमें डाल दो, तेल में कड़वापन आ जाएगा। ओके ठीक है, वो कच्चा तेल वो उसको एक बर्तन में डालकर रख लो, फिर थोड़ा थोड़ा डालते रहो। ओके सर, बनराज सोलंकी ये पूछते हैं सर, घोड़ी के पाप में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसका देसी इलाज बताओ। देखो देसी इलाज ये, अभी एक तो उसके नाखून टाइम से साफ करते रहो, मान लो जो कीड़ा पड़ गया तो आपने उससे क्या करना है, सबसे पहले कुछ लोगों की धारणा है उसमें पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल डाल देते हैं कीड़ा मर जाता है। अच्छा, पेट्रोल एक बार डाल देंगे कीड़ा बाहर तो निकल जाएगा, दूसरी बार अपना कितना भी शांत जानवर स्वभाव का जानवर है वो अपन को अपन के पास नहीं आने देगा, पेट्रोल से वो जलते होंगे अंदर, जलता है ना, अपन पे बात ले लो, उनके कहीं कोई जख्म हो गया वहां पे नमक डाल दे, कोई पेट्रोल डाल दे, आप उस आदमी के डरेंगे, इसी तरह घोड़ा करने लग जाता है। आपने क्या करना है, कहीं पेट्रोल किसी आदमी ने नहीं डालना है, आप वो लेना है पोटाशियम दवाई आती है ना, जो पोटाशियम लाल दवाई, उसको ठाकर होप को उसके बीच उसके ऊपर डालनी है। अच्छा, जहाँ पे अभी कीड़े पड़े हुए पड़े हैं, और नींबू लेकर
एक बार उसके ऊपर नींबू निचोड़ना है, ठीक है, उसके उससे ना उबल कर एक बार सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे, और जो लाल दवाई है वो घाव को जख्म को सूखने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक करने के लिए कंट्रोल में करती है। कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो लेते हैं निशादर होता है, निशादर तंबाकू आता है क्या? नहीं नहीं, वाइट कलर का फटकड़ी की तरह होता है। अच्छा, फटकड़ी की तरह, उसको पीस कर हाँ उसके बीच लगाते हैं। ओके, तो उसको पीस कर उसके बीच लगा देते हैं। चूना होता है, चूने के बीच हल्द, चूना कली कली बोलते जो कलर करते हैं, कली कली हाँ, उसको घोड़ी के नीचे आप जहाँ पे घोड़ी बांधती है वहाँ पे उसकी नीचे नीचे एक एक इंच की दो दो इंच की चादर बिछा दो। अच्छा, चूने के पानी में, चूने को पानी के बीच घोल कर घोड़े का होप उसके बीच रख दो। अच्छा, चूने से क्या बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह नहीं फैलता है। ओके, चूने के बीच हल्दी मिला लो, और चूल्हे की जो स्वाह होती है ना लकड़ियों की बनी राख होती है, होती है। हाँ, मान लो एक किलो चूना ले लो, एक किलो वो ले लो, और 200 ग्राम हल्दी ले लो, तीनों चीजें मिक्स करके एक कपड़े का वो पोटली बना लो, उसके बीच बांध लो, घोड़े का हुप उठाकर उसके ऊपर लगाते रहो, यानी कि उसके ऊपर हटाए लगाए, हटाए लगाए, हाँ हटाए लगाए, वो पोटर उसके ऊपर लगता रहे, इनसे भी पाँव का जख्म सही होता हो जाता है। वैसे तो सबसे बेस्ट यही है कि डेली साफ करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर सकते हैं। या मुश्क, मुश्क कपूर आता है, अच्छा, वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते उसको, मुश्क कपूर की टिक्की आती है, उसको पीस कर उसके बीच लगाए, ताँबी घाव ठीक हो जाता है, कीड़े हट जाते हैं। सबसे बढ़िया तो ये है, लाल दवाई थोड़ी सी डालकर नींबू डालो, दो रोज दिन में, जब कीड़ा निकल गया फिर नींबू नहीं डालना, अच्छा, फिर कली दवाई डालते रहो, घाव ठीक हो जाता है। लाल दवाई डालते समय हाथ के ऊपर कोई दस्ताना वगैरह पहन लो, पहनना चाहिए, वो हाथ को लग जाती, ज़्यादा लग जाए हाथ जला देती है। ओके सर, यशपाल सिंह जी पूछते हैं, सर घोड़ी को हल्दी का दूध दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं तो सुबह को दें या शाम को दें? घोड़ी के लिए हल्दी बहुत बेस्ट है, ठीक है भाई सब, हल्दी हर आदमी के लिए भी बहुत बेस्ट है, जोड़ों के लिए, ज्वाइंट के लिए। दूध में थोड़ा सा ऐसा होता है, भी दूध पिलाते हैं तो कुछ जानवर स्मेल ले लेते हैं, नहीं खाते हल्दी को। ये तो आपकी घोड़ी दूध के अंदर हल्दी लेती है तो दियो, आधा चम्मच डेली हल्दी एक किलो दूध में दियो, दे सकते हैं आप घोड़ी को। तो कितना कितना हल्दी डालें उसमें? आधा चम्मच, खाने वाला आधा चम्मच, आधा चम्मच एक किलो दूध के अंदर डालकर आप घोड़ी को दे सकते हैं। तो क्या फायदा होता है घोड़ी को हल्दी देने से? घोड़ी के घुटनों में सूजन वगैरह नहीं आती, हड्डियों की स्ट्रांग होती है। हल्दी तो किसी की हाथ बाएं टांग टूट जाती है जब हल्दी वाला दूध भी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, इसीलिए वो घोड़ी के लिए अच्छी रहती है। ओके सर, यशपाल जी यही दूसरा सवाल पूछते हैं कि घोड़ी ब्याने के 15 दिन बाद फिर से क्रॉस करवाना सही है या गलत है घोड़ी को? अरे भाई साहब, मैंने ये बताता हूँ भी, आपकी घोड़ी ब्याई है 15 दिन बाद, जरूरी नहीं 15 दिन बाद, वेदर पे डिपेंड करता है। ठंड पड़ रही है तो घोड़ी अंदर रहती है, बाहर नहीं, धूप में नहीं निकालते, ब्याई हुई घोड़ी को धूप में भी निकालना चाहिए, उसकी अंदर से जो अंडा बनता है, उसकी ग्रोथ बने अंडे की, उसको बाहर निकालो। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो घोड़ी 8-9 दिन के दिन के बाद भी अंडा बनाकर अंडा मोचर कर सकती है। घोड़ी को 10 दिन के बाद घोड़े डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए उसका। अच्छा, 10 दिन के बाद डॉक्टर से चेकअप करा लें। बाकी जब घोड़ी बार बार पेशाब करती है, उसके पीछे से पेशाबदानी से वो लंबी तार टपकती है नीचे, तो देख लेना चाहिए भी, इस टाइम घोड़ी को घोड़ा दिखा देना चाहिए। ओके सर, सूरज जी पूछते हैं, घोड़े को कितने साल का हो तब चलाना चाहिए और कौन सी लगाम घोड़े को लगानी चाहिए? घोड़े को तो चलाना तो चाहिए, मतलब छोटा ही है, ये पूछते होंगे राइडिंग के लिए, राइडिंग के लिए, राइडिंग के लिए। घोड़े तो वैसे, घोड़े को मान लो राइडिंग नहीं करते तो 1 किलोमीटर डेली घुमाना चाहिए, बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चा हो बड़ा हो, घुमाने का टाइम नहीं तो उसको भागने के लिए घर में जगह जरूर बनानी चाहिए। वहाँ पे खुला छोड़ दो, चारों तरफ उसके द्वारा या कुछ जाली वगैरह लगा रखा है, उसमें भागे वो, ओके, रिस्ट पुष्ट रहेगा वो। घोड़े को राइडिंग के लिए कम से कम 30 मंथ का हो जाए घोड़ा, 30 मंथ का, 2.5 साल का, 2.5 साल का। कुछ राजस्थान के लोग 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद उसके ऊपर राइडिंग करने के लिए तैयारी करते हैं, क्यों, 3-2.5 साल तक, 3-3 साल तक घोड़ी हाइट करती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो 2 साल बच जाते हैं, 5 साल तक घोड़ी का जो पुट्ठा है,
शरीर की बोन्स है जो, उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर घोड़ी की चढ़ाई बढ़ती है। ओके, घोड़ा 5 साल तक शरीर की ग्रोथ करता है, 5 साल तक करता है, 2.5 साल के बाद राइडिंग करनी चाहिए उसके ऊपर। और लगाम वगैरह कौन सी लगानी चाहिए? लगाम उसको एक बार सिंपल लगाम देना चाहिए जिसके ऊपर कांटे ना हो, सिंपल लगाम हो। मान लो कुछ ऐसी लगाम, ये लगाम भी बहुत सिंपल है, अच्छा इसके ऊपर कांटे नहीं है, ऐसी लगाम डालनी चाहिए और बड़े कड़े कड़े वाली डालनी चाहिए। अच्छा, बड़े कड़े, इससे क्या फायदा होते हैं ना, जो इसके रिंग होते हैं वो घोड़े के मान लो एक तरफ से खींचते दूसरी तरफ निकल जाते हैं मुंह के बीच से, कंट्रोल नहीं आता घोड़ा। ये बड़ा कड़ा घोड़े को, ये लगाम को दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। अच्छा अच्छा, और ये भी सिंपल लगाम में आता है ये लगाम। ओके, कोई शांत स्वभाव की घोड़ी होती है जो बिल्कुल सिंपल लगाम होता है उससे कंट्रोल आती, नहीं तो ऐसे से आती है और अधिकतर ज़्यादा बदमाशी दिखाता है, इससे बड़े कांटे वाली ले लो। फिर एक लगाम और आता है जो ऊपर उसके हुक बनी होती है जू तरह की, वो लगा लेते हैं। तो क्या कांटे वाली लगाम लगाना सही है घोड़ा घोड़ी? इतने कांटे वाली के बिना भाई सब कंट्रोल ही नहीं आता है। मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, कुछ आदमी बोल रहे थे अरे भाई घोड़ों से दिक्कत होती है ऐसा लगाम लगाने से, ये बनी हुई चीज़ ऐसी, इसका जो स्ट्रेनिंग है लगाम घोड़ा, वो एक गाना है पंजाबी का, काबू करना मुश्किल होता है बिना लगाम के घोड़ा, ये बिल्कुल सच्ची कहावत है, लगाम के बिना घोड़ा घोड़ी काबू नहीं कर सकते। यानी कि हल्की कांटे वाली यूज करें पर भारी कांटे वाली यूज ना करें। देख लेना चाहिए भी किस लगाम से कंट्रोल हो रहा है घोड़ा। ओके सर, गोविंद गुजर जी है, ये पूछते हैं घोड़े का बच्चा पालना सही है या बड़ा पालना सही है, यानी कि बच्चा लें या बड़ा लें? मान लो ये तो अपने घोड़ा रखना है, मेल रखना है, नर रखना है, फिर आप ये देखो भी आपने अच्छा बच्चा लेना है तो अच्छी लेन का लो, अच्छी घोड़ी का, घोड़ी की क्या हाइट है, घोड़ी का पेट कितना बड़ा है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है घोड़ी का पेट बड़ा होता है, हाइट कम होती है, बाप की हाइट बड़ी है फिर भी बच्चा बहुत बड़ी हाइट का हो जाता है। कई बार होता है बड़ी हाइट की घोड़ी होती है, बड़ी हाइट का घोड़ा होता है, बच्चा एक छोटा आता है, हाइट नहीं करता है। घोड़ी का पेट का स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, बड़ा पेट है, क्षेत्रफल बड़ा है, अच्छी लाइन का बच्चा लो जो जिसकी टांग अच्छी बड़ी हो, ठीक है भाई साहब, बच्चा लेकर भी पाल सकते हैं। ये मान लो आपने अच्छा घोड़ा लेना है तो उसका रिजल्ट देखो, किस घोड़े का कैसा रिजल्ट आ रहा है, उसके बच्चे रिंग में कैसे आ रहे हैं, शो में कैसे जा रहे हैं, कोई प्रथम स्थान पर आ रहे हैं क्या, उसके व्यापार लाइन में अच्छे रेट में बिक रहे हैं, अच्छा नाम चल रहा है, ऐसा घोड़ा खरीदना चाहिए। लोकल घोड़ा मत लो जिसका बच्चा रिजल्ट आगे अच्छा नहीं आ रहा है, घोड़ा तो वो है जिसका बच्चा अपन से अच्छा आ रहा है, घोड़े से भी अच्छा है और मंडी में अच्छे दाम में बिके, वो घोड़ा लेना चाहिए। यानी कि लाइन वाला घोड़ा लें, लाइन वाला घोड़ा लेना चाहिए, अच्छे नामचीन घोड़े का बच्चा लेना चाहिए। ओके, जो आगे चल के आपका नाम भी कर सके, आप तैयार भी कर सके, घोड़े का नाम बने, अच्छा बच्चा लो, अच्छे घोड़े का लो। ओके